amazing, very nice. Amazing, बहुत खूब. और एक violin की जो sound होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी calm, peace के जब भी आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आपकी रूह को सुकून मिले. वैसे तो music को कहते हैं कि रूह की तस्कीन है, लेकिन violin specially gives you a very peaceful effect. एक inner soul पे आपको सुकून मिलता है. Violin और बांसुरी. हाँ. ये इन दोनों का जो इफेक्ट होता है, बताएं तो सही कौन है ये इतने टैलेंटेड बच्चे. Exactly, और हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं इस पर. हमारे साथ मौजूद हैं काजिम अली जो वायलिन प्ले कर रहे थे, और उनके साथ मौजूद हैं सुफियान अली, इन्हीं के भाई हैं माशाल्लाह. और ये दोनों मुझे इतनी खुशी हुई कि दोनों के नामों में अली आता है. सुभान अल्लाह, मौला इनसे राजी है, इनको आबाद रखे. लेकिन बिफोर ये आपको म्यूजिक हमने इसलिए इतनी सुनाई ताकि थोड़ा सा आपका मूड अच्छा करें, क्योंकि आजकल जो है ना खबरें सारी नेगेटिव आती हैं, सैड आती हैं, परेशान कर आती हैं. आप मान गए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाइफ में जरूरी है. जरूरी है, क्योंकि इतना जब नेगेटिव और इतनी सैड और इतनी डिप्रेसिंग न्यूज होती है तो थोड़ा सा मूड को बहलाना लाजिम है. लेकिन इस वक्त जो खबर है मेरे पास वर्दा, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन से पहले तमाम तर सूबाई हुकूमतें भी और फेडरल हुकूमत भी अपनी एडें चला रही है. और एक एड अखबार में लगी जिसको देख के बहुत सारे लोग लोटपोट हो गए. वो कह रहे थे कि यार ये क्या लिखा है एड में, इसमें हैशटैग बनाया गया है नो योर इकोनॉमी, यानी बताना चाह रहे हैं कि अपनी पाकिस्तान की मईशत को जानो. और जो आशारिया इसके अंदर लिखे गए हैं वो लिख रहे हैं जी करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस बाय 57%, वाह जी वाह, एग्रीकल्चर क्रेडिट 36% ग्रोथ, 664 बिलियन दिया गया, वाह जी वाह, इम्पोर्ट रिड्यूस्ड बाय 16%. इतने बैन लगाने के बाद, एलसीआर बंद करने के बाद सिर्फ 16% इम्पोर्ट गिरी. ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस्ड बाय 26%. जब ट्रेड डेफिसिट तारीख की बुलंदतरीन सतह पे होगा तो 26% कम करना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं. रेवेन्यू कलेक्शन 17% इंक्रीज, 3,429 अरब रुपए रेवेन्यू में कलेक्ट हुए. लेकिन उसका हमारे मुल्क को फायदा क्या हुआ, इन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 364 अरब रुपए बांटे गए. हर साल इतने अरबों रुपए बांट रहे हो, काश फैक्ट्रियां लगाई होती तो हमारे मुल्क की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहां से कहां पहुंच गई होती. किसान पैकेज 1800 अरब का दिया गया है. शायद यही वजह है कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, गंदम, चावल, मकई, सब कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं. करेंसी स्टेबलाइज्ड, ये तो इतना बड़ा जोक है इस एड के अंदर कि यार डॉलर की वाट लगी हुई है, हवा निकली हुई है, लोग धक्के खा रहे हैं, जो इंपोर्टर्स हैं उनकी एलसीआर नहीं खुल रही है, स्टेट बैंक डॉलर नहीं दे रहा है, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान अखबार में ऐड लगा के कह रही है करेंसी स्टेबलाइज और टाइमली पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इन दी एंड. भाई जब भी आपको अपनी डेट सर्विसिंग के लिए पैसे देने होते हैं ना वर्दा, तो यही आवाज उठती है कौन सा मुल्क देगा, कौन सा मुल्क देगा, हमारे पास पैसे नहीं है, डिफॉल्ट होने वाले हैं. लेकिन हैरत की बात यह है कि इलेक्शन से पहले इस तरह हुकूमत अपनी एड्स चला रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशा ही बना हुआ है, ये इलीगल है. तला ये तो जोक ऑफ द डे है, ये उतार चढ़ाव नहीं है, जोक ऑफ द डे कहा जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी. बिकॉज रियली क्या बोले इस पे, कि आप सबको पता है हम हालात से वाकिफ है. खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हंस लिए, जोक भी हो गया. लेकिन अब म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं. काजिम अली और सुफियान अली हमारे से दोनों भाई मौजूद हैं, इतना खूबसूरत वायलिन प्ले करते हैं. काजिम अली सबसे पहले बात करेंगे, जानेंगे कि इतनी छोटी सी एज में इतना अच्छे तरीके से वायलिन कैसे बजाते हैं. और काजिम ये बताओ, आपने हेयर कट ले लिया? पहले मैंने आपका देखा, इतने लंबे लंबे खूबसूरत से कर्ली कर्ली बाल आपके फेस पे आते थे. वो स्कूल वालों की प्रॉब्लम थी. हाय जालिम, स्कूल फैशन नहीं करने देता बच्चों को. कब से बजा रहे हो काजिम? मेरे को 2 साल हो गए. 2 साल हो गए, और किसने सिखाया, क्यों आपने बजाना शुरू किया? मेरे को लियो म्यूजिक स्कूल से मैंने सीखा. मेरे टीचर का नाम है सैयद मदर इम्तियाज. शौक कैसे पड़ा? अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती बोला जाओ सीखो बेटा? नहीं, अम्मी अब्बू का म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था. फादर को वायलिन बहुत पसंद था. ग्रेट. तो आपको वायलिन का शौक कैसे आया? लोग तो गिटार, पियानो, ड्रम. फादर को भी वायलिन का शौक था ना, इसीलिए. हर भाई की आदत है कि हमारे पेरेंट्स जो चाहते हैं ना कि हम ये करें तो हम फौरन कर लेते हैं. माशाल्लाह, ताबेदार औलाद हर इंसान की ख्वाहिश, अल्लाह ताला आप जैसी औलाद सबको दे. आमीन. मेरे फादर को बहुत शौक था, वो भी बोलते थे कि तुम भी ऐसे बजा सकते हो, बजा सकते हो. एक दिन मैंने अम्मी को बोल दिया था, अम्मी मेरे को क्लासेस. फादर को भी लाना चाहिए था आपको यार, उनको और आपको साथ बैठ के वायलिन सुनना चाहिए था. लेकिन प्रोड्यूसर साहब माशाल्लाह प्लानिंग लाजवाब. खैर सुफियान, अगली बार अबू को लाना साथ. और सुफियान आप भी गिटार प्ले करते हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? करता हूं और 2 साल हो चुके हैं. आपको भी? जी, और थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेता हूं बस. अरे वाह, सिंगिंग भी करते हैं तो दोनों आप साथ ही स्टार्ट किया था दोनों सीखना? हाँ, दोनों ने साथ स्टार्ट किया था. हम दोनों की मतलब शुरू से कोऑर्डिनेशन है. पहले दोनों भाइयों की बिल्कुल नहीं बनती थी. जब से म्यूजिक लाइन में आए तो फिर दोनों फड्डे खत्म हो गए. हाँ बिल्कुल, फड्डे खत्म हो गए. फड्डे खत्म हो गए, म्यूजिक की जबान आप दोनों बोलने लगे. बिल्कुल ऐसा. आप गाना भी गाते हैं? थोड़ा सा गा के Thank you.
खूब। आगे दोनों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं भाई? बैंड अपना अलग। अपना भाई मिल, कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग चार भाई हैं और एक बहन है। अच्छा माशाल्लाह। और आप दोनों म्यूजिक में, बाकी तो कोई तीसरे चौथे भाई ड्रम वगैरह कुछ नहीं, आगे नहीं, कुछ नहीं, नहीं। उनका ही शौक नहीं था, मतलब म्यूजिक की जो स्टोरी है ना वो हम दोनों भाइयों से ही शुरू हुई है। फैमिली में पीछे हमारे खानदान में कोई नहीं है, पूरे खानदान में कोई नहीं है। तो कोई एतराजात, कोई तनकीद? एतराजात तो नहीं, सब खुश होते हैं। घर आते हैं तो कुछ ही, कभी ये सुना दो, कभी वो सुना दो, सब अपनी फरमाइशें लेकर। बहुत अच्छा प्ले करते हैं। फ्यूचर में शायद आपको इरादा है कि आप लोग अपना बैंड बनाएंगे दोनों भाई मिलके? अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, जिसमें जैसे लियो ट्विंस हैं, लियो ट्विंस हमारी बहुत देर से इंस्पिरेशन है। उनका जो वॉयलिनिस्ट है शेरून लियो, मेरे को ये नहीं होता, वो मेरा आइडल है, मेरे को उनकी तरह बनना है। और हम दोनों भी अभी स्टार्ट किए, हमारा एक बैंड शुरू हो रहा है मुंतजर के नाम से। मुंतजर, और ये नाम किसने सेलेक्ट किया? अम्मी ने। क्यों? क्या बात है कि हम अपनी जो हमें हासिल करना है ना, हम उस चीज के मुंतजर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें मिले, अचीवमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए। काजिम अली की तरफ, काजिम आप कसूरी भी बजाते हो बहुत अच्छा सा, और कौन सा फेवरेट आपका, कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप चाहते हो कि ऑडियंस सुने? हाँ। जो भी टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं वो सुने और वो बोले ओह माय गॉड क्या बजाया बच्चे ने, हिला के रख दिया। बस जो बोलो वो कर लेगा, भले कोई अपनी मेडली बजा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कंप्लीटली योर कॉल। जो आप एंजॉय करते हो अक्सर बजाना, कैन बी इंडियन? हां हां, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, योर कॉल। पास वाला, जो इम्पैक्ट लेकर आए हमारी सोसाइटी में। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।
2022 वोटर को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।